राहुल भैया, राहुल भैया, चलो भाई। यू कैन ना, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। जस्ट अभी हम उतर चुके हैं और यहां से हम जाने वाले हैं हल्की पौड़ी। और ये रही मेरे कुछ सहपाठी। अरे भाई तो अच्छा आ रहा है। कहां अच्छा आ रहा हूं? अरे काला आ रहा हूं, फिल्टर लगा। आगे चला गया पांडा जो है पांडा, जिसको हम इंक्लूड नहीं करते। आना आना बराबर है। यहाँ से हम जाएंगे, टिकट कराएंगे और टिकट कराने के बाद हर की पौड़ी, उसके बाद तुम्हें दिखाते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने टिकट विकेट ले ली है और हम हरिद्वार में आए केदारनाथ के लिए। हम लोग रवाना होंगे और हमारी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। हमें केदारनाथ से भी बहुत जगह जाना है। बहुत महंगी पड़ी है हमें, 2200 की, एक बंदे की नहीं, चार बंदे की। ठीक है, देख लीजिए, देख लो। यहाँ से जाने वाले हम हर की पौड़ी। ये हमारे महाशय सर बात कर रहे हैं। अबे भाई बैक का मतलब होता है बैक कैमरा यूज कर रहा हूँ। ये बोलना, ये पीजी है तो शॉपिंग करते हुए क्या हो गया भाई? केदारनाथ ट्रेन से जा रहे हो? ये बातचीत कर रहे हैं। गलत नहीं होगा मेरे में? हाँ भाई, हाँ भाई, केदारनाथ ट्रेन से जा रहे हो? नहीं नहीं, मेरे दोस्त नहाने जा रहे हैं। आदि तो नहाने वाला नहीं। आदि तू नहाएगा? नहीं, मैं तो नहाऊंगा शायद। नहीं नहाएगा? नहाएगा नहीं नहाएगा? जल्दी बता, नहाएगा नहीं नहाएगा? मैं नहाऊंगा ना सुबह। यार झूठ बोल रहा है। नहाएगा? नहाएंगे। चल तू नहाएगा तभी मैं नहाऊंगा। पोंगा देखो वहां पे वीडियो कॉल करके दिखा रहा पाल को। चल चल चल, तेरी डुबकी देन मेरी डुबकी। चल ना, तो हाथ से उतार ना। लोवर तो उतार ले, क्यों गीला कपड़ा ले जाएगा भाई। उसने ओ भाई। अबे आदि, तू तो गया ही नहीं यार। आ जा बाहर, आ जा बाहर, आ जा। ये देखो अभिषेक। हाँ। क्या और क्या चाहिए? बिस्किट। हाँ भाई बिस्किट। ये देखो ये मनीष सर बैठे हुए हैं नदी की डुबकी लगा के। आदित्य जी। हाँ। ये अगोरी अगोरी बैठा भाई। यार मस्त चाय और फेरस चल रहा है, फैन चल रहा है, हैविंग एंजॉय। यू कैन सी द व्यू ऑफ हर की पौड़ी, इट्स अमेजिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वॉच। हमारा टाइम हो चुका है अब बस लेने जाने का। हाँ भाई ऐसे घूम क्यों रहा है? हम तेरे को पता है कि तेरी वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो भैया आदि ये ले रहा है। आदि को भूख लग गई। आदि कितने रात से सोए नहीं हो? चने उदास हो गए। ₹50 का घर में खाते नहीं है भाई। ये वाला अंकल ₹50 का है ना? ये ₹50 का घर पे देते हैं, खाता नहीं हूँ मैं। भेलपुरी है भाई, भेलपुरी का नाम। घर में खाते नहीं है भाई। चल भाई सारा तू भी खा लेगा, 50-25 का खा रहे हो। सो फाइनली सुबह के बज रहे हैं कितने? मेरी घड़ी में तो थोड़े कम बज रहे हैं, 6 बज गए लगभग, अप्रोक्सीमेटली 6 बज चुके हैं। और हम आ चुके हैं देवप्रयाग। और भाई तुम देवप्रयाग का व्यू देखो पीछे से। ओ भाई, और मैं ऐसे दिख रहा होगा तो मैं तो ऐसे दिखाता हूँ भाई। यहाँ आके, यहाँ आके जो मॉर्निंग मिलती है ना भाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई वर्ड्स में जो चीजें दिख रही है, जो बस चीजें हैं। वहाँ घाट पे कब जाना होगा ये नहीं पता हमें। मैं भी 3-4 बार आ चुका हूँ बट मैं कभी घाट पे नहीं गया। और फाइनली तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत तगड़ा मौसम हो रखा है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। ठीक है, और भाई जो व्यू आ रहा है ना, ये पोंगा हमें देखने नहीं दे रहा, वीडियो बंद करवा दिया तुमने। यहाँ पे सबकी फोटोग्राफी चल रही है। अरे मनीष बस भाई आ गई तेरी फोटो भाई। आदि ब्रो कैसा लग रहा है यहाँ पे पहुँच गया? अच्छा लग रहा है भाई। भाई के टाइम बात खत्म। अरे एक हमारे फाइनली हम लोगों को आ चुका है डेस्टिनेशन।
जल्दी निकलो भाई, जल्दी निकलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हमें यहाँ से जाना है पैदल। ओ भाई वो कहाँ रह गया पोंगा, कुछ छूटा तो नहीं? पोंगा छूटा है, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब यहाँ से हम जाएंगे सोनप्रयाग। फिलहाल हमें बस वाले ने उतारा सीतापुर, और यहाँ से मैं तुम्हें बैक व्यू दिखाता हूँ। कुछ ओवर स्मार्ट लोग हैं जिनकी घर वालों ने कहा है कि लाठी लेके नहीं जाने के लिए, तो ये देखो आदि ये सोचते हैं कि अगर मैं लाठी से जाऊंगा तो मेरा थोड़ा जो भगवान जी वो करेंगे क्या कहते हैं वीडियो में भी झंड मार रहे हैं उसकी, वो थोड़ा कम मिलेगा, तो ये सोच रहे हैं कि मैं बिना लाठी के जाऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। मुंह पे नहीं कह रहा था, ऐसे ही कह दे रहा हूँ, है ना। और बाकी हम लोग ले चुके हैं, हालांकि वो भी लाठी ले चुका है बट लेकिन खुद के मन से नहीं लिया उसने। वो थोड़ा तुम्हें आगे दोनों के जो पड़े वी आर एट सोनप्रयाग, as you can see on board, और ये देख सकते हो तुम बोर्ड के ऊपर ऑफिशियल कंपनी वाले में सब कुछ डालते रहते हो, कह के क्या कर रहे पागल हो गए लोग, मैं कहता तुम पागल हो गए, तुम्हें नहीं पता मैं छुट्टी को फिर भी दिए जा रहे हो। तो फाइनली उस जगह आ चुके हैं हम जहाँ से हमें टैक्सी पिकअप करती है 50-50 रुपए में। अब यहाँ से हम टैक्सी में बैठेंगे और जाएंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड हो सकता है तो नहाएंगे, और उसके बाद वहाँ से हमारी एक्चुअल में ट्रैकिंग चालू होगी। पोंगा कहाँ रह गया? चल बैठ बैठ बैठ, लेके बैठ जा ना, लेके बैठ जा, रुक जा बैग पकड़ा हूँ मैं, ऊपर से उधर मनीष बैग पकड़ियो, बैग पकड़ा बैग पकड़ा, ये पकड़ा पकड़ा पकड़ा, और अंदर पूछो किसी का बैग है भाई, बैग ले, अरे भाई लियो, मेरा बैग नहीं रहता, सो फाइनली हम टैक्सी से उतर के पहुंच चुके हैं जहां से एक्चुअल में ट्रैक चालू होने वाला है, और ट्रैक के ऊपर लिखा हुआ है 16 किलोमीटर बट वो 16 किलोमीटर है नहीं, कितना है आदि? 28। अब 28 चढ़ने में हमारी हालत क्या होने वाली है वो हम गलत को दिखा देंगे वो तुम्हें धीरे धीरे दिखाते रहेंगे, हमारा फेस स्कैन करें, हमारा सबका फेस देख ले एक बार मनीष, अभी मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे नजर आ रहे हैं आपको, ये तुम्हें बाद में पता लगेगा, आते वक्त भी यही एंथुसियाज्म और ज़ाइल अंदर हो हमारे। ओ भाई, और फिलहाल यहाँ पे रोडों पे एज यूजुअल जैसे हमेशा पानी रहता है, कीचड़ रहता है, वैसा ही है, और तुम्हें मैं दिखाता हूँ जस्ट हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ से एक्चुअल में चालू हो जाता है ट्रैक। ये रहा भाई वो ट्रैक जहाँ वो हाथ से लिखा हुआ है 16 किलोमीटर। ओ भाई हम गौरीकुंड में सबसे तगड़ा खाना खा के निकल चुके हैं, हमारे ठीक पीछे ये रहा ढाबा, मतलब मनीष के पीछे ढाबा, और मैं तुम्हें मनीष से रिव्यू सुनाना चाहता हूँ कि कैसा लगा खाने में।
मनीष कैसा लगा खाने में ब्रो? भाई खाना ना खाना इज बेटर देन खाना। कोमा कैसा लगा? भाई क्या खाना था मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत तगड़ा खाना। फिलहाल हमें लगभग आधे घंटे हो चुके हैं ट्रैक स्टार्ट करे हुए, हमने मुश्किल से 200-300 मीटर चला होगा। अब हम जा रहे हैं 60 रुपए का हमने खाना खा चुका है कुंड में नहाने, तो नहाते टाइम तुम्हें दिखाएंगे, तब तक ले देखते रहो। ये देखो भाई आए थे कुंड, कुंड में नहाना तो नहीं हुआ बिकॉज कुंड बहुत गंदा हो रखा है और यहाँ पे फेस वॉश करते हुए बस नहाया तूने ही नहीं। मैं तो ऊपर नहाऊंगा ना, दो बार थोड़ी नहाऊंगा। ओ भाई 1 किलोमीटर हो गए और 1 किलोमीटर में हमारा एक बंदा थक चुका है और एक बैग देखिए उसकी सांस से चढ़ चुकी है, तो वो अपने बैग का सामान रख रहा है, बैग नहीं रख रहा है। बाकी हम लोग तो अपना बैग वैग लेके जाएंगे। अजी तू तो लेके जाएगा ही, होंगे तू तो लेके जाएगा ही, मैं तो लेके जाऊंगा भाई। चलो भाई मनीष जी रख रहे हैं, कोई बात नहीं फिर आगे तुम्हें दिखाते हैं। देख सकते हो जो हमारी वीडियो के बाद मनीष अपना बैग अपने कंधे पे सवार चलने लगा। अब ये कह रहा है कि मैं बैग को नहीं रखूंगा चाहे मेरी टांगे चली जाए। अभी तो थोड़ी देर भी नहीं हुई। ओ भाई सो 2 किलोमीटर हो गए हमें चलते हुए और मेन जो बोर्ड आ गया जहां से एक्चुअल में ट्रैकिंग चालू होती है वहां से हमारी ट्रैकिंग चालू हो गई। और भाई ये घोड़े खच्चर कैसा लग रहा है? हम लोग कुछ चढ़ाई चढ़ चुके हैं, 1 किलोमीटर और बढ़ा दो उतना और फेस देखिए। और ये हमारे वहाँ से रेस्ट लेते हुए ओ भाई यहाँ से अभी हमारा कुछ नहीं चला है, 25 किलोमीटर है अभी, अभी तो हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ है। तूने तो कहा था एक ही फोटो, अब वही बोल रहा था। ये देखो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम ब्लॉग शूट करने आए हैं आदि और मैं एक कताई झरने के नीचे, और भाई यहाँ पे हम एक बढ़िया कंटेंट शूट करने वाले हैं। आदि को भेजेंगे ऊपर, आदि ऊपर जा, नाना नहीं गिरे मेरा हाथ पकड़ जा भाई, अब नहीं गिरेगा यार। अरे भाई ओ फाइनली यहाँ से 12 किलोमीटर है उसका डबल कर दो 24 किलोमीटर। और हम सेकंड वाटरफॉल पॉइंट पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे कुछ हम मजेदार क्लिप्स शूट करेंगे अपने रील्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, मेरे रील्स के चाहने वालों। या बॉय ओ भाई यहाँ पे मैं तुम्हें व्यू दिखाता हूँ भाई, क्या व्यू है यार। ये मेरे कुछ 3 गांधी जी के बंदर और भाई जस्ट एंजॉय योर व्यू। ओ भाई थक गए हम लोग। ये देखो भाई हालांकि वाटरफॉल देखिए मिले हमारे एक नए दोस्त, क्या नाम है आपका? आदित्य कठोरन। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है।
आप फर्स्ट टाइम आए हो ना, थकावट महसूस हो रही है थोड़ी बहुत कि ज्यादा ज्यादा? चलो अभी तो बहुत रह गया है मेरा ले ले भाई। भाई मुझे शुरू में बहुत थकावट हो रही थी पर अब इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं दो बार चक्कर मार दूं केदारनाथ के। क्या ये तो मजाक वाली बात है? कोई नहीं, सच में बोल रहा हूं। लग रहा है ना अब अच्छा लग रहा है, अब मोटिवेशन आ गया और दोबारा चीजें सब सही हो गई, ट्रैक पे आ गई, ट्रैक पे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ये तो सच्चाई है। अंकल हेलो बोल दो, अंकल हेलो बोल दो, हेलो हेलो अंकल। मौसम अच्छा हो गया, मौसम चेंज हो गया, मौसम देख सकते हो तुम भाई, बादल जैसा मौसम हो गया, ह्यूमिडिटी हुई, अब ठंडा ठंडा लग रहा है। अब हमें जाना है एक नीचे पुल के नीचे, एक वाटरफॉल टाइप का आता है, हम सोच रहे हैं कि लाइट के होते हुए वहाँ पहुँच जाए जल्द से जल्द, ताकि हमारे कुछ रील्स वीडियो बन जाए, क्लिप्स कैप्चर कर ले। हाँ तब तक ले थोड़ा वेट करो, तब तुम्हें दिखाते, तब तक ले टाटा सी यू, बाय बाय। कहाँ से केदारनाथ है? 10.5 किलोमीटर ऑनली, हम लोग थक चुके हैं ऑन बोर्ड, 10.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे ये आ गए हमारे कुछ सहपाठी, अब यहाँ पे हम कुछ खाएंगे और बारिश होने लगी है, कोई बंदा कहता है तेज बारिश नहीं होगी, ठीक है तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन तेज बारिश होने लगी, ठीक है बैठो बैठो भाई सर, तब तक पेप्सी वेप्सी पीते हैं। पता नहीं मेरे उसमें होगा ना, हाँ निकाल लिया, निकाले कुरकुरे मेरे झोले में साइड वाले में। सो आफ्टर 10 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद हम आ चुके हैं जो मेन झरना था हमारा, झरना कोर्स वाला, बट यहाँ पे शायद पीछे जाने नहीं देंगे वीडियो वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें झरने का व्यू दिखाता हूँ और ये कितना डेंजरस झरना ये दिखाता हूँ, शायद तुम महसूस कर पाओ, सो वेट एंड एंजॉय। दिस इज योर झरना व्यू फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड। तो भाई एक्चुअल में ये मनीष हो चुके हैं तैयार बिकॉज, और मैं भी हो चुका हूँ तैयार बिकॉज हमें ठंड लग रही है, और ये हमारे आदि हो रहे हैं तैयार, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रात हो गई हमें चलते चलते, पोंगा भी हो गया तैयार, ये अपना लेके आ गया यही जैकेट, ये भाई भी हो रहे हैं तैयार, क्या नाम था इसका, जयवर्धन है महिला, सो जैकेट बंद करते हैं, अब जाते हैं ऊपर। रात के बज रहे हैं 12 करीबन और स्टिल हम ट्रैक चालू कर रखा है हमने, और अभी भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ये रहे हमारे मनीष साहब, थोड़ा मैं तुम्हें बैक से दिखाता हूँ बिकॉज रात में फ्रंट कैमरा लाइट में काम नहीं करता, बैक थोड़ा अच्छे से काम करेगा, 2 मिनट। ये हमारे भाई महिला जयवर्धन है, इनकी बहुत, अरे भाई ये तो वो लग रहे हैं हबीबी, सच बता रहा हूँ, दिखा दूंगा डर जाओगे तुम इतने पास में। ये रे आदि, आदि एक बंदा बोलेगा सर, बताना चाहोगे? आदि कह रहा है भाई कुछ बोलना चाहोगे? सुनने दो भाई, देख मेरे को तो आ रही है भाई नींद, आज मेरा तीसरा दिन, मैं कोई डांस का टाइम, तीसरा दिन हो गया भाई सर, तीसरा दिन हो गया, मैं जाऊं सो। तो फाइनली रात के बज रहे हैं एक से ज्यादा, मैं यही बोल रहा था, लगभग 1:30-2 बजने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने बजे मनीष? 1:10 और फाइनली हम आ चुके हैं हेलीपैड के पास, ये जस्ट यहाँ से हेलीपैड दिखता है अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और भाई ये रहे हमारे दोस्त, हम फ्रेश व्रेश हो चुके हैं, हमने थक चुके हैं ऑलरेडी, हाँ चुके हैं, और भाई यहाँ से मंदिर हमें दिखने लगा है, मैं तुम्हें मंदिर के पास जाके दिखाता हूँ, ये रहा हेलीपैड ब्रो, ओ भाई। सो फाइनली हम कहाँ आ चुके हैं? मैं पहुँच गया केदारनाथ टेम्पल। सो फाइनली हम आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर, जैसा कि आप मेरे बैक में देख सकते हैं, नहीं दिख रहा होगा थोड़ी बात देर बाद दिखाएंगे, चलते हैं। सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी हम फिलहाल टेंट में हैं और मैं यहाँ से बाहर जाने वाला हूँ, तो मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, आई होप यू कैन एंजॉय एंड यू कैन फील दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यू है मनीष, है ना, व्यू तो बहुत तगड़ा। हम ब्रश वगैरह करेंगे आज, हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम ब्रश कहाँ करेंगे, वैसे मैं समझ गया मैं हैंडसम हूँ। ये रहा भाई हमारा महिला जयवर्धन है, और ये रहे हमारे भाई मनीष सर, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ, वैसे नॉर्मली तुम्हें दिख गया होगा, ठीक है, फिर भी देखो। सो भाई ये रहा केदारनाथ व्यू, और मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाता हूँ जहाँ पे हम करने वाले हैं, फिलहाल तो ये देख लो, ये हमारा टेंट है जिसके अंदर हम रुके थे रात भर, और मैंने सुना है भाई डिंग
अकॉर्डिंग टू न्यूज भाई आ रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूज बहुत ज्यादा भीड़ है, तो भीड़ का तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। तुम ये देख सकते हो, हालांकि मैं दो बार आ रखा हूँ बट मैं दोनों बार अलग अलग जगह रुका हूँ। तो यहाँ से मैं तुम्हें लेके चलता हूँ जहाँ पे हम ब्रश वगैरह करने वाले हैं। आज तुम्हें हम दिखाते हैं कश्मीर व्यू। चलो भाई भाई ये देखो तुम व्यू, ये 0.5 कन्वर्ट नहीं होगा ना। आजा भाई नहीं चल रहा क्या? अब भाई वहां पे देख सकते हो तुम बादल आ रहे हैं और यहीं कहीं पे हे हे राहुल भैया, हे राहुल भैया चलो भाई। यू कैन ना तेरे बिना ऐसे हूँ ला 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 ये वो जगह है जहाँ से हमें ब्रश वगैरह करना है। तुम देख सकते हो इस पानी का यूज़ करके हम ब्रश करने वाले हैं नॉर्मली बेसिकली। तो वो देखो भाई घोड़ा आ रहा है और व्यू देख सकते हो तुम भाई, क्या तगड़ा व्यू है। ओ भाई उनको ब्रश कर लेना चाहिए। भाई ये देखो बादल आ गए। ओ भाई क्या ठंडा पानी है भाई, इतना ठंडा पानी है ना ये, ऐसी तैसी कर देगा सच बता रहा हूँ लिटरली। मेरा हाथ ये सुन्न हो रखे है मैं इसलिए दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। और भाई तुम मेरे पीछे देख सकते हो व्यू, पूरे बादल आगे आ चुके हैं और पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। नॉर्मली देखो तुम पीछे का व्यू देख सकते हो, सारे बादल आगे आ चुके हैं। और अब मैं जा रहा हूँ टेंट, और टेंट के बाद हम जाएंगे, जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो तैयार व्यार होंगे, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर लाइन में लगने। और मंदिर लाइन में लगने के बाद मंदिर दर्शन, देन भैरव बाबा दर्शन, उसके बाद नीचे, और उसके बाद हमारा चालू होगा वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक, देन वैली ऑफ फ्लावर के बाद हम बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद देन हरिद्वार, हरिद्वार के बाद वापस। तब तक ले वेट एंड देखते रहिए। ये देखिए भाई हमारे अघोरी बाबा नहा के आ रहे हैं, लिटरली बंदा सोचो कैसे नहा के आ रहा होगा। टेंट आ गया है, उधर तो जा रहा था, चल मेरे साथ चल। ये देखो भाई, ओ ये भाई अघोरी लग रहे हैं पूरे एकदम। सर आपको ठंडी लग रही क्या है सर? वो कहाँ पोंगा कहाँ है? उसे भी ऐसे ही बोला कि चल यार। चलो भाई टेंट के पास ले चलते हैं, ज़्यादा हम ऐसी गंदी गंदी चीज़ें दिखाएंगे तुम्हें। वो रहा हमारा मच्छर भाई साहब, इधर से यार जा रहे हैं मंदिर की ओर। ये सारे नहा धो के तैयार हो चुके हैं एक्सेप्ट मी एंड मनीष।
और ये है भाई, ये तो आप जानते ही हो, हमारे साथ रहते ही है। बता दो बिना लाठी क्या है, बिना लाठी क्या है ये, यहाँ तक बिना लाठी क्या है, बिना टांगों क्या है, मतलब टांग के तो आई है। अरे ये लड़का ये ना बराबर है, पागल उगल है क्या तू? एक बार बोलना भाई, पागल उगल है क्या? चलो भाई, शायद मंदिर की लाइन कम हो चुकी है। हाँ या 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 हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर। इतनी खुशी, बहुत रीलें देखी, बहुत रीलें देखी, बहुत प्रयास करा और तुम्हें बैक व्यू दिखाता हूँ भाई। नहीं लग रहा क्या पल? भाई उसे ढूंढो भाई। अरे मनीष कहाँ गया? भैया प्रसाद लेते हुए आदि को, और जस्ट भाई मंदिर के पास। यार मैं ऑफिस में लगाना था। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं केदारनाथ मंदिर में। ये मेरा तीसरी बार है, मैं तीसरी बार केदारनाथ मंदिर आ चुका हूँ एक्चुअली। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, जो एक्चुअल में गर्भगृह के दर्शन है वो इस बार हुआ है, वो इस बार हुआ है। तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाकी तुम देख सकती हो, क्योंकि मनीष के आने से पहले एक फोटो ले।